ये देखिए इतने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं रसगुल्ले। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ इस वीडियो में, लास्ट तक देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खास ट्रिक से बनाइए घर में हलवाई से भी बढ़िया स्पंजी और सॉफ्ट रसगुल्ले। मैं सुमन शर्मा दादी सावे की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1.5 किलो गाय का दूध लिया है, एक भगोना लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डालकर ही दूध डालें जिससे कि नीचे तले में नहीं लगे। गाय के दूध का छेना बहुत ही अच्छा बनता है, रसगुल्ले के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एक उफान आते ही अब गैस बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं उबालना है इसको। अब 3-4 मिनट तक इसको ठंडा करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो किसी बड़े बर्तन में ठंडा कर लें। यहाँ मैंने 3-4 चम्मच विनेगर लिया है और इसमें 1 कप पानी मिला लेंगे। पानी मिलाए बिना नहीं इसको सीधा डालें, नहीं तो छेना बहुत ही सख्त हो जाता है और उसके रसगुल्ले भी अच्छे नहीं बनते हैं। थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ नहीं डालें, नहीं तो दूध को झटका लग जाता है तो वो सही नहीं बनता छेना, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालें, जब तक इसमें हरा पानी सा नहीं दिखने लगे तब तक आप डालें इसको और मिलाते जाएं। ये देखिए फटने लग गया है दूध, पानी और छेना अलग हो गया है। ये देखिए, अगर आपको जल्दी हो तो थोड़ा आप नॉर्मल पानी इसमें डाल लें। ये छलनी ली है मैंने और एक कॉटन का कपड़ा लिया है, अब इससे छान लेंगे। पूरा अच्छे से निकाल लेंगे इसमें। अब नॉर्मल पानी डालकर इसको वॉश कर लेंगे जिससे खटाई इसकी निकल जाए पूरी, नहीं तो रसगुल्लों में खट्टापन आ जाएगा। दबा के इसका पानी, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लें। एक बार और वॉश करूँगी मैं इसको। नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू अगर डालें तो भी उसमें पानी मिलाएं नींबू के जूस में और उसको छान कर ही काम में लें, जिसके रेशे नहीं रहें, रेशे रहेंगे तो फिर रसगुल्ले बिगड़ जाएंगे, इसलिए विनेगर ही हो, जहाँ तक हो विनेगर ही काम में लें। ये पानी आप किसी भी काम में ले सकते हैं, आटा लगाने या कढ़ी बनाने। चाशनी के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम चीनी ली है, एक बड़ा बाउल है, बाउल के हिसाब से देखें तो, और 5 बाउल मैंने इसमें पानी डाला है। चाशनी किसी तार की नहीं बनेगी और ना ही गाढ़ी होनी चाहिए। इसको हिलाते हुए उबलने तक हिला लें इसको, जिस चीनी अच्छी तरह पिघल जाएगी। आधे घंटे तक मैंने इसको बांध के रख दिया था, आप लटका सकते हैं आधा घंटे तक इसको, ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ड्राई हो गया तो फिर रसगुल्ले अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे जिससे जो भी दाने होंगे इसमें वो सॉफ्ट हो जाएंगे सारे। बिल्कुल डो की तरह तैयार करना है इसको। आठ दस मिनट लगेंगे इसको टोटल अपन को करने में, मैश करने में, अच्छी तरह मैश करें इसको। ये देखिए इधर चाशनी उबल रही है। यहाँ मैंने 1 चम्मच अरारोट डाला है, आप मैदा भी डाल सकते हैं।
और ज़्यादा भी नहीं डालें, नहीं तो उससे भी पूरा उसी का टेस्ट आएगा। अगर ज़्यादा ही गीला हो गया हो आपका छेना तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वो कमी डालें। अब आप मनपसंद आकार की लोइयां बना के इनको गोल कर लें। किसी को छोटे पसंद होते हैं, किसी को बड़े रसगुल्ले पसंद होते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे बना लें। मैंने मीडियम साइज के बनाए हैं, ये देखिए बिल्कुल गोल बने हैं। ऐसे ही बना लें आप सारे रसगुल्ले। ये देखिए ये बनकर तैयार हो गए हैं। चाशनी उबलती हुई उबल रही है, उबलती हुई में डालें इसको। ये देखिए ऐसे एक साथ नहीं डालें, थोड़ी एक एक सेकंड रुक के फिर डालें इनको इस तरह से। अगर चाशनी उबलते उबलते अगर गाढ़ी हो जाए तो आप उसमें बीच बीच में थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। वैसे तो ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है वो सही है बिल्कुल, फिर भी आपको लगे कि गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा गुनगुना पानी या गर्म पानी आप डाल सकते हैं। रसगुल्ले 15 से 20 मिनट तक आप बॉईल करें चाशनी में, थोड़ा थोड़ा चमचे से ऊपर से भी डालते जाएं। ये देखिए 5-7 मिनट इसको खुले में उबालेंगे, ये देखिए झाग बननी चाहिए, और 5-7 मिनट इनको ढककर उबालेंगे, ये चाशनी में बॉईल होने चाहिए। ये देखिए फूल कर कितने मोटे हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल सफेद और शुद्ध और स्वादिष्ट घर के रसगुल्ले बनकर तैयार हैं हमारे। पांच से छह घंटे इसको फ्रिज में रखें फिर इसको खाएं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि चाशनी अंदर तक पहुंच जाएगी इसके। गरम या ताज़ा नहीं खाएं, थोड़ा सा इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं और थोड़ी सी देर इसको ढक दें तो इसकी खुशबू पूरे उसमें आ जाएगी। ये देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, वापस चाशनी में डालेंगे तो फिर फूल जाएंगे। रसगुल्ले तैयार हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।